हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज हम इनके सेटअप में हैं और आपको मैं बताऊंगा कि क्रीम में मेल और फीमेल किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, क्रीम में मेल और फीमेल कॉकटेल में कैसे चेक करते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक पेयर लिया था मैंने, उसमें फ़ीमेल जो थी वो पर्ल की थी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार मादी जो है वो क्रीम की, उसके किस तरीके के डॉट होते हैं या नहीं होते, और किस तरीके के होते हैं और कलर कैसा होता है डॉट का, वो आप हमें जो है वो बता दें। तो आज मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और वकास भाई भी हमारे साथ ही हैं, वो भी फर्दर हमें गाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी टाइम से कॉकटेल रखे हुए हैं, तो वो सही तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो। एक तो ये परों वाली निशानी है, उसके अलावा जो है अगर ये अगर आप पकड़ेंगे परों वाली निशानी, तो पकड़ के आपको पर खोल के चेक करना पड़ेगा कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। बाकी तो आप जो है वो दूर से देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है, वो हम वकास भाई से पूछेंगे। पहले हम परों वाली निशानी देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी भी निशानी देख लेते हैं। चले तो इसको पकड़ के ज़रा देखते हैं और देखते हैं कि मेल कैसा होता है, फीमेल कैसी होती है। ओके व्यूअर्स, तो ये हमने एक पकड़ी है, फीमेल है ये बता रहे हैं दूर से ही। मुझे तो खैर नहीं पता चलता इतना कि दूर से कि फ़ीमेल है या नहीं है, तो मैं इनके पर वगैरह जो है वो खोल के इसके देखेंगे कि फ़ीमेल है या नहीं है। ठीक है, परों में डॉट वगैरह हैं या नहीं है और किस कलर के डॉट है। यार ये तो है बड़ी ख़तरनाक सी। ग्लव्स दे दो। हाँ ग्लव्स दे दो यार, ये छोड़। ओके व्यूअर्स, ये इन्होंने पकड़ा है, पहले मैंने पकड़ा था, लेकिन बड़ा मसला ये हुआ था कि वो जो है मादी काट रही थी बार बार। तो इसको जो है वो आप देख सकते हैं, इसके पर ये फुल मेल है। ठीक है, कोई भी इसका जो है वो पर पे डॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, बिल्कुल जो है वो सादे पर हैं और बिल्कुल वाइट पर हैं इसके। ठीक है, क्रीम कलर के पर हैं और कोई वगैरह डॉट वगैरह जो है वो इस पर नहीं लगा हुआ, इसलिए ये मेल है। ठीक है, जिसके डॉट नहीं होता वो मेल होता है और जिसके डॉट होता है वो फीमेल होती है। ज़रा फीमेल को पकड़ के देखते हैं कि किस तरीके के डॉट उसमें लगे हुए, कौन से कलर के होते हैं। ये है क्रीम है वैसे ये, तो चले फीमेल को पकड़ते हैं। उसकी जो उम्र का हिसाब होता है, ये कलिए जैसे कबूतर की गिनी जाती है, उस तरह इनकी गिनी जाती है। ये देखें, दो सही है, दो चार, दो छः, अच्छा ये तीन, तीन छः, दो आठ, ये नौ कली से दस कली हो गई। ये कली जो इस तरफ घूमी होगी ना ऊपर की तरफ, वो कली गिनी जाती है, नीचे की तरफ घूमेगी वो गिनती में नहीं आती। दस कली में फुल होता है, इससे ज्यादा कली नहीं होती, ये फुल एज का है ये। अच्छा, फुल एज का है ये। मतलब आपने पट्टे जैसे रखे हैं तो उसमें आठ कली के बाद वो ब्रीड के काबिल हो जाता है, आठ से नौ कली में वो ब्रीड पे आ जाता है, अंडे दे देता है वो। अच्छा अच्छा, ये दस कली से ज्यादा नहीं होती। ये बच्चे से जब बड़ा होता है तो ये कलिए की गिनती होती है, उम्र का हिसाब इसमें से लगता है। कबूतर में भी इसी तरह से होता है और इसमें कॉकटेल में भी इसी तरह से होता। अच्छा है। तो अभी इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र तो खैर बहुत ज्यादा है, चार से पाँच साल एज होगी इसकी। अच्छा, तो ये के ये तो पूरी दस कली की एक साल। अच्छा, कलियां मतलब नहीं आती क्या? कलियां नहीं होती या डॉट लगे होते हैं? नहीं, नहीं, डॉट वाले तो वैसे होते हैं, अगर वो कलिए साफ भी कर गया है ना, मतलब झाड़ लिए उसने पर, तो ये गिनती में सात कली से ये जवानी में आना शुरू हो जाता है, आठ कली के बाद ये अंडों पे आना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, नौ के बाद ये समझ लें कि बिल्कुल अडल्ट हो जाता है, और दस हो जाए तो ये फुल एज में, ये पूरे मतलब एज में आ जाता है, पूरी एज है, पूरा पर है। और इसके ये जो चीक है, सही, ये जो चीक है दरअसल जो फैला हुआ होगा ना डार्क, सही, वो है मेल का होता है और फीमेल का थोड़ा सा लाइट होता है। अच्छा, देख रहे हैं कि ये चीक से बाहर जो ये जरा सा चीक फैला हुआ है, बिल्कुल, ये मेल का फैलता है, फीमेल का नहीं फैलता ये। अच्छा, ये मेल है। सही सही सही, फीमेल में लाइट चीक होता है और मेल में थोड़ा सा डार्क होता है, और जब उम्र बढ़ने शुरू हो जाती है तो ये चीक फैलना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं, अच्छा, धब्बे थोड़े से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ मेल के आते हैं, फीमेल के नहीं आते। अच्छा अच्छा, सही, फीमेल में हल्का सा येलो शेड आ जाता है और मेल में बिल्कुल व्हाइट शेड रहता है, वो येलो शेड में मेल कभी भी नहीं आता। अच्छा, त्राज होने के बाद भी। अच्छा, जो मादी बड़ी हो जाती है, जैसे चार पाँच साल छह साल उम्र हो गई है, तो वो थोड़ी सी येलो हो जाती है। येलो हो जाती है, उसमें कई ऐसी भी होती है, वीकनेस होती है उनकी पैदाइशी, तो वो एक साल दो साल में भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, कई दस साल में भी नहीं आती। वो ये कि वो ज्यादातर फीमेल में ऐसा होता है, मेल में इस तरह से नहीं होता। अच्छा सही, जबरदस्त। ओके व्यूअर, तो ये इनके हाथ में है, ठीक है, ये फीमेल है। अब इसके धब्बे देख लेते हैं, ये डाउट ये आएंगे इस तरह से लगा। अच्छा, पीछे पहला बहुत तो उसमें ज्यादा नुमाया नजर आ जाता है। सही सही सही, इसमें भी आ रहा है नजर, तो खैर थोड़ा सा हम रोशनी ढूंढ। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, धब्बे जो है वो उसके क्रीम कलर के धब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, सारे परों पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कन्फर्म मेल है। अब ये भी दस पर की है पूरी,
हाँ तकरीबन बस ये थोड़ी कुलीच में ये देखें नई कलिए निकल रही है। अच्छा 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 सही सही। तो लोग कहते हैं यार पर झड़ जाते हैं ये बीमारी है, ये ऐसा तो नहीं होता? नहीं बीमारी, परिंदा तो हर साल बड़े से बड़ा परिंदा हो वो पर झाड़ता है। अच्छा अच्छा पर झाड़ता है। पर तो झड़ते हैं, अब ये जब झड़ेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी ये। अच्छा गर्मियों का सीजन है अभी, सीजन ऑफ होने वाला है तो इस वजह से आज परिंदा पर झाड़ता है। अच्छा सही जबर। अब इसका ये चिक इसका थोड़ा सा देखें लाइट है चिक, लाइट ये भी उसी एज में 4 से 5 साल इसकी एज है और इसका बाहर चिक जो है उससे 19-20 लाइट है, पता नहीं इसमें नजर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, ये बाहर की तरफ चिक फैला हुआ है, इसका फीमेल का कभी भी नहीं होता, मेल का होता है। अच्छा बाहर सही बात है, इसका चिक जो है वो फैला हुआ नहीं है बिल्कुल भी। सही सही सही। अच्छा इसकी चोटी जो है वो खुद ही इसने झाड़ दी थी? हाँ वो झड़ते हैं सब, पर इस वक्त कुरीच में है ये। अच्छा कुरीच में तकरीबन। सही 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 जबरदस्त। इनकी इसकी एज भी 4-5। इसने कितनी दफ़ा तकरीबन ब्रीड की है आपके पास इतनी एज में? 8 से 10 मरतबा की होगी। 8 से 10 मरतबा। सही माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है सही। ये पर में भी आप देख लें, इसमें भी डॉट लगे हुए हैं येलो येलो कलर के, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं अगर मैं आपको दिखा पाऊँ इसमें। सही बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त येलो डॉट नज़र आ रहा है, मेल का एक भी डॉट नहीं था, इसके सारे डॉट नज़र आ रहे हैं, क्रीम कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं। तो ओके व्यूअर्स, ये आपको मैंने नर और मादी के पहचान बता दी बिल्कुल ब्रीफली और बिल्कुल सही तरीके से, वकास भाई ने बिल्कुल सही तरीके से बताया। ये परों के डॉट भी आपको दिखा दिए और बाकी इनका जो चिक है ठीक है, फेस पे जो धब्बा लगा हुआ है वो भी आप लोगों को सही तरीके से ब्रीफ कर दिया और नर मादी का बता दिया ताकि आप लोगों को सही तरीके से पता चल पाए ठीक है। तो ये इनका माशाल्लाह से सेटअप था, तो यहाँ पे इनको जो है वो ये सारे इन्होंने रखे हुए थे और ये इन्होंने जो है वो मेहरबानी कर दी हमारे ऊपर के सारा पकड़ के इन्होंने दिखा दिया है ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियोज़ लाता रहूं। तो ये यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को सेटअप दिखा सकूं कि किस तरीके के सेटअप होते हैं और कैसे, ये मिसाल है सेटअप की, इतने ज़बरदस्त सेटअप की आपके सामने मिसाल है क्योंकि गर्मी भी है और कमरे के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, छत भी इसी तरीके की है ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि मतलब किस तरीके का जो है वो सेटअप आप बना सकते हैं और कैसा अच्छा सेटअप आपका जो है। इस आप वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दिया हो गया है उसको भी दबा दें ताकि आप लोगों के सामने जो है वो जो भी मैं नई वीडियो डालूँ अपडेट्स आप लोगों के सामने आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।